हाय नमस्कार एंड वेलकम टू अनदर राउंड ऑफ करो यस ट्रैवल्स विद मी विशाल छिब्बर। बहुत ही खूबसूरत जगह है, आइए देखते हैं कि कश्मीर का एक और ज्वेल दैट इज नोन एज निशाद बाग कैसा दिखता है बर्फ के टाइम। निशाद बाग आ गए हैं, जम्मू कश्मीर की सैर हो रही है। अगर आप ये देखें, ये रहा हमारा डल लेक और ये है निशाद बाग। यहाँ पर अभी हम टिकट लेते हैं, अडल्ट 24 एंड चाइल्ड 12 रुपीज। टिकट काउंटर, छोटा चार्ट एंड ऑल के लिए आपका काफ़ी सारे एरियाज हैं यहाँ पर। ये है निशाद बाग की एंट्री, आइए निशाद बाग की सैर करते हैं। टिकट तो हमारे पास आ गई है। वेलकम सर, वेलकम, थैंक यू सर, थैंक यू, ओके, गुड डे। आइए निशाद बाग, आपका इंतजार कर रहा है। ब्यूटीफुल स्नो फॉल, ऑल द प्लेसेस आर कवर्ड इन स्नो, फ्रेश वर्जिन स्नो। Few things in life that you need to experience by yourself. This is one of them. Let's move. और ये गुप्त तरीके की सीढ़ियां हैं, देखते हैं। धीरे धीरे जैसे हम ऊपर आते हैं, नजारा यहाँ का बदलना शुरू हो जाता है। यहाँ देखो, अब आपको यहाँ पर डल लेक नजर आना शुरू हो जाएगा एंड स्लोली एंड स्टेडली हम धीरे धीरे और ऊपर जाएंगे। ये डल लेक का एक किनारा है, दूसरे किनारे पे आपको बहुत सारी शिकारा मिलेंगे, बहुत सारी हाउस बोट्स मिलेंगी, फ्लोटिंग मार्केट भी उस तरफ मिलेगा। ये थोड़ा सा शांत वाला एरिया है। आपका नाम? सजाद। सजाद जी, आप क्या करते हैं यहाँ पर? कश्मीरी ड्रेस में फोटो बनवाते हैं। कश्मीरी ड्रेस में फोटो बनाते हैं यहाँ पर? तो सुना है यहाँ प्रीति जिंटा भी आपसे खिंचवाई थी आके? हाँ, बहुत सारे खिंचवाते हैं। छोटा था उस टाइम, ये छोटे थे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये शाहिद कपूर का। अगर आप देखेंगे ऑन माय राइट हैंड साइड डल लेक है और धीरे 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 स्टेप्स चढ़ते चढ़ते जब हम ऊपर आते हैं तो आ जाता है निशाद बाग। यहाँ पर there's been fresh snowfall and इस बार कश्मीर में कहते हैं कि पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा बर्फ हुई है। यहाँ पर एक्चुअली पानी बहना चाहिए, चश्मे का पानी, दैट्स बेसिकली अ स्प्रिंग। बहुत ही टेस्टी होता है उसका पानी और कहते हैं कि एक ज़माने में जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं यहीं से उनका पीने का पानी जाता था। कश्मीर की गली, आरजू, जंगली और फिर वही दिल लाए हूं जैसी खूबसूरत फिल्मों की यहाँ शूटिंग हुई है। जब आप ये फिल्में देखेंगे यू विल रियलाइज कि शम्मी कपूर जैसे महान एक्टर्स दे हैव बीन रनिंग डाउन द गार्डन्स एट निशाद बाग। जरूर देखिएगा ये पिक्चरें। हिस्ट्री क्या है उस पर मैं नहीं जाऊँगा, वो विकीपीडिया पर आपको मिल जाएगी। अभी सिर्फ आपको नज़ारा दिखाने के लिए है। जस्ट लुक एट दिस, ये सारे चिनार के पेड़ हैं। यहाँ से देखिए आपको हल्का सा झलक दिख जाएगी डल लेक की। यहाँ को डल लेक। आइए अब चलते हैं चश्मे की तरफ जहाँ से चश्मा निकलता है। लेट्स सी वहाँ पर कुछ पानी बचा भी है हमारे पीने लायक या नहीं। करो यस ट्रैवल्स इन कश्मीर। ये देखिए चिनार का पत्ता। जस्ट लुक एट द साइज ऑफ दीज ट्रीज, द गर्थ इज अमेजिंग। इतने चौड़े हैं, इतने पुराने, खूबसूरत। चलिए और आगे चलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये मुगल टाइम का सिक्योरिटी का है एंड सिमिलरली इस तरफ भी जो है मुगल टाइम का सिक्योरिटी का है। दिस इज 250 इयर्स ओल्ड जो चिनार के पेड़ हैं यहाँ पर और आसिफ खान ने बनाए थे। बीच में है वो दीवाने खास, दिस वन इज दीवाने खास। सो यू गुड, ये
ये देखिए ये सीढ़ियां दर सीढ़ियां दर सीढ़ियां, चढ़ते जाइए चढ़ते जाइए। This is the topmost level at Nishad Bagh. यहाँ से चश्मे का पानी आता है। चश्मा means spring, spring का पानी आता है। And कहा जाता है कि यहाँ पर dining hall हुआ करता था पुराने ज़माने में। And ये पूरा पानी में पानी होता है यहाँ। This all has water. I've come here in summers also. तो गर्मियों में जब यहाँ देखते हैं तो पूरा पानी होता है ऊपर, बहुत खूबसूरत चश्मा बहता रहता है, क्योंकि इस बार बर्फ ज़्यादा हुई है, ठंड ज़्यादा हुई है, तो चश्मा बह नहीं रहा, तो मैं ऊपर लेके आया था। अब आइए धीरे धीरे नीचे चलते हैं। निशाद बाग स्टेप बाय स्टेप यहाँ से नीचे, यहाँ पूरा चश्मे का पानी आता है और यहाँ से बहता हुआ इट गोज डाउन द टल। और ये हैं कुछ एडवेंचरस हमारे भाई जो, यहाँ चश्मा नहीं बह रहा तो क्या हुआ, हम धीरे धीरे नीचे जाएंगे। शुक्रिया शाह साहब, बहुत अच्छा लगा आपका भी, बहुत बहुत, बहुत खूबसूरत है निशाद बाग, इसको शुक्रिया, इसकी खूबसूरती बरकरार रखिए। थैंक यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, दिस वाज करो यस ट्रैवल्स विद मी विशाल छिब्बर निशाद बाग में। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, टेक केयर, गॉड ब्लेस एंड जय हिंद।